आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसकी नेचर के बारे में और इसके रूट्स के बारे में पढ़ेंगे विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग इट। अब है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a एंड द सेकंड नेचर इज माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट में। फॉर एग्जाम्पल 4x² प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब 4x², x² का कोफिशेंट जो है वो a हम तसव्वुर करते हैं वो 4 है और 6x में 6 जो है वो x का कोफिशेंट है और वो b हम तसव्वुर करते हैं 6 है और कांस्टेंट जो है वो c है और वो 7 है। अब डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें हम जब कीमतें पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर 4 लगाएंगे और सी की जगह पर 7, 36 बन जाएगा 6 का स्क्वायर। स्क्वायर से मुराद होता है कि जो स्क्वायर के अंदर रकम है उसको आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करें। इसके बाद 4 4 16, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 112। आप 36 को तो आपके पास आएगा माइनस में 112 माइनस का प्लस 36। एक बात नोट करनी है कि जब हम माइनस कर रहे हैं तो साइन को ना देखते हुए हम देखेंगे कि बड़ी रकम कौन सी है। 112 बड़ी रकम है, 36 छोटी रकम है, इनको आपस में माइनस करें। जब दोनों के साइन अलहदा होंगे तो इन्हें हमने माइनस करना है। ये 12 में से 6 गया, 6 बचा, ये 10 बच गया, ये 7। अब हम देखेंगे कि बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा है, माइनस का है तो माइनस लगाएंगे। अब ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट निकला है, हमने बगैर सॉल्व किए हुए इसको हल कर लिया है। अब कोई और इस तरह की एग्जांपल हम लें या 2.1 पे आ जाएं आप तो इस तरह हम उसको हल कर सकते हैं। 2.1 में आप क्वेश्चन नंबर 1 की जूज नंबर 1 देख लें। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें एक वेरिएबल स्क्वायर में आए। अब ये देखें 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x² का कोफिशेंट 2 है, इसको हम फर्ज करते हैं a, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में पीछे मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c। ax² में x² का कोफिशेंट a है, bx में x का कोफिशेंट b है और c एज फॉर कांस्टेंट है। अब b कितना आएगा, 3। c 1 के साथ माइनस है तो आप सी को माइनस 1 कंसिडर करेंगे। अब आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी 3 के बराबर है तो 3² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है माइनस 1, ब्रैकेट में डालेंगे ताकि जब हम मल्टीप्लाई करें तो आपस में ये प्लस हो जाए। 3² 9 बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस
फोर टू ज़ा एट, एट वन ज़ा एट, ये आ गया 70। तो डिस्क्रिमिनेंट निकला 70। इसी तरह एक और हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन की जुज नंबर फोर। फोर एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। पहले चैप्टर में हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। अब फोर एक्स स्क्वेयर में कोफिशेंट है फोर, बी बन जाएगा एक्स का कोफिशेंट माइनस सेवन और सी बन जाएगा माइनस टू। डिस्क्रिमिनेंट का अब आपको फार्मूला आता होगा, वो है क्या, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। अब बी स्क्वेयर में माइनस सेवन है, अब एक और आपने ख्याल करना है प्लस और माइनस का खसूसी ख्याल करना है, क्योंकि प्लस और माइनस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो माइनस सेवन लाजमी लगाएंगे, माइनस सेवन का स्क्वेयर माइनस फोर इंटू, ये फोर फार्मूले का है, ए की वैल्यू फोर है और सी की वैल्यू माइनस टू है, अगर प्लस टू लगाया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आप इसको देखें, माइनस इंटू माइनस प्लस, सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन। आप देखें माइनस टू और बाहर माइनस है, या आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू ज़ा थर्टी टू। अब ये बन जाएगा, इन दोनों को रफ अमल में प्लस कर लो या कैलकुलेटर से हल कर लो, नाइन प्लस टू अलेवन, वन कैरी, थ्री प्लस फोर सेवन, प्लस वन एट, एटी वन डिस्क्रिमिनेंट आएगा। अब 2.1 का क्वेश्चन अपन हम टू भी आज कर लेते हैं। अब वो कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड और वेरीफाई द रिजल्ट बाई सॉल्विंग द इक्वेशन। फिर इक्वेशन को हमने सॉल्व भी करना है, तो जूज नंबर हम दो देख लेते हैं, टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। इसमें ए कितना होगा, टू, जी ठीक है, बी थ्री और सी आ जाएगा सेवन। पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट लगाएं, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पीछे हम पढ़ रहे हैं, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। अब बी की वैल्यू है थ्री, थ्री का स्क्वेयर माइनस फोर, ए की वैल्यू हमने यहाँ सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टू निकाली है और सी है सेवन। थ्री स्क्वेयर हो गया नाइन माइनस फोर टू ज़ा एट, एट सेवन ज़ा फिफ्टी सिक्स। अब फिर रफ अमल में इसको हल करके मैं बताता हूँ, माइनस फिफ्टी सिक्स प्लस नाइन, साइन पर हाथ रखें। अब देखें दोनों के साइन हैं डिफरेंट, तो इनमें से हम हाथ रखकर देखेंगे बड़ी रकम कौन सी है, 56 बड़ी रकम है, इसमें से 9 को निकाला तो आ जाएगा 47। अब यहाँ साइन लगाना बहुत अहम है, अगर आपने यहाँ प्लस लगाया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इनमें से देखेंगे कि बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा है, माइनस, जी तो आप लगाएंगे माइनस 47। अब इसको क्या कहते हैं जी, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए आप इसके दो रूट्स में हमने लिखे थे, उन दोनों रूट्स को लिखो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ओवर। अब किमते पुट करें, माइनस बी माइनस थ्री प्लस माइनस, अब बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी की हम ऊपर वैल्यू निकाल चुके हैं, माइनस 47 अंडर रूट ओवर टू इंटू टू इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस 47 ओवर फोर। अब रूट्स में अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट, ये भी रूट्स की कुछ हालतें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है
डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो बट नॉट परफेक्ट स्क्वेयर तो क्या होगा? इरेशनल होगा रूट, रूट इरेशनल होगा और अनइक्वल होगा। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि 57 आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट, 47 आ जाता है, 19 वगैरह आ जाते हैं। अब आप इनके स्क्वेयर नहीं ले सकते तो ये इरेशनल हो जाएगा और ये चूंकि प्लस में है ठीक है इरेशनल हो जाएगा और अनइक्वल इसकी वजह से प्लस माइनस की वजह से इसके दो आंसर आ रहे हैं तो ये अनइक्वल हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो बट आ परफेक्ट स्क्वेयर, एग्जांपल में देखें आप 49 अंडर रूट आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट या 16 अंडर रूट आ जाता है, आपका ये आंसर इस तरह आ जाता है ये परफेक्ट स्क्वायर है, इनका अंडर रूट निकल सकता है तो ये क्या होगा? रेशनल होगा। नेचर क्या होगी इसकी? रेशनल होगी और अनइक्वल होगी क्योंकि यहाँ साथ प्लस माइनस भी आएगा, अन इक्वल। अब ये हमारी कंडीशन आ गई जिसमें अभी हमने ये क्वेश्चन किया है कि बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, इससे मतलब ये है कि बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी आपका माइनस में आना चाहिए। अगर माइनस में आ गया है तो ये कम्प्लेक्स नंबर है या इमेजिनरी नंबर है? अनइक्वल भी है और इमेजिनरी नंबर है। आप नेचर में क्या लिखेंगे? इट इज या नेचर इज इमेजिनरी। अब इसकी एक और कंडीशन है, ये कंडीशन वन है, ये कंडीशन टू है, ये कंडीशन थ्री थी जो अभी हमने की है। हम यहां रूट्स में लिखेंगे नेचर इज इमेजिनरी। अब इसकी चौथी कंडीशन देख लो, ये बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो है तो जीरो का जो अंडर रूट होता है ये मैं आपको यहां बता रहा हूं वो जीरो निकलता है, ये भी परफेक्ट स्क्वेयर में है तो ये रेशनल होगा और इक्वल। इसके एग्जांपल मैं बताता हूं, मसलन अब स्क्वेयर माइनस फोर एसी इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इज इक्वल टू अगर इसका आंसर आ जाता है जीरो के बराबर तो इसके नेचर हम क्या लिखेंगे? द रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। जबकि ये जो क्वेश्चन हमने किया है चूंकि ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो से कम है, जीरो से हर रकम जो कम होगी वो माइनस में होगी, इसलिए ये इमेजिनरी आपका होगा। आज के लिए ये टू क्वेश्चन है।